तो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल देख के इतना तो पता लगा ही होगा कि हमारा जो चैनल है ये डिलीट होने वाला है। अब ये मैंने क्यों डाला ये मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं कई दिनों जो अपना चैनल है इस पर प्रमोशन ही वीडियो डाल रहा था, जो कि रमी ऐप्स होती हैं उनका प्रमोशन दोस्तों मैं कर रहा हूँ, एंड मुझे नहीं पता था कि ये लीगल होता है, तो इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर डाल रहा था। हाँ, थोड़ा बहुत तो मुझे पता था कि ऐसी बैटिंग से आपको हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना मुझे मैंने यूट्यूब पर यहाँ पर वीडियोज़ देखी थी उस हिसाब से दोस्तों इसमें कोई भी स्ट्राइक वगैरह की कोई भी टेंशन वाली बात नहीं थी। तो मैंने दोस्तों बहुत सारी वीडियोज़ डाल दी थी, एंड अब मैं एक वीडियो मैंने पब्लिक भी नहीं की थी, तो उस पर दोस्तों लिस्टेड पर भी यहाँ पर स्ट्राइक आ गई थी कम्युनिटी गाइडलाइंस की। तो आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट जिसमें दोस्तों कि मैंने उस वाली वीडियो को पब्लिक भी नहीं किया था और लिस्टेड ही थी वीडियो, ना इसमें कोई टाइटल डाला था, ना ही कोई डिस्क्रिप्शन, ना ही कोई थंबनेल, बस सिर्फ वीडियो अपलोड हुई थी और वहाँ पर दोस्तों एकदम से कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक आ जाती है। तो मैंने वो भी वीडियो वगैरह सारे के सारे डिलीट कर दिए, जितनी भी मैं प्रमोशनल वाली वीडियो थी सभी दोस्तों डिलीट कर दिए हैं, एंड अभी हमारे चैनल पर दोस्तों वार्निंग की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक होती है वो आ चुकी है। अब ये दोस्तों स्ट्राइक वगैरह ये तीन प्रकार की होती है। एक तो होता है कॉपीराइट क्लेम, जो कि दोस्तों अगर आपके चैनल आपकी वीडियोस पर आ जाता है तो उससे आपके वीडियोस पर कोई भी फैक्टर नहीं पड़ता। हाँ, बस अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो जिसकी आपने कॉपीराइट क्लेम आया, जिसने आपको कॉपीराइट क्लेम दिया है, उसका और आपका दोस्तों जो रेवेन्यू बनेगा आपकी वीडियो पर वो आपका आधा आधा हो जाएगा। तो अगर आपके $50 बनते उस वाली वीडियो पर तो उसको भी 25 मिलेंगे और आपको भी 25 मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा हो जाता है कॉपीराइट क्लेम में, इसमें आपको कोई भी वीडियो पर इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ता है। एंड दूसरा होता है दोस्तों कॉपीराइट स्ट्राइक। अब ये कब मिलता है, जब आप किसी की वीडियोज़ को अपने वीडियो में यूज़ कर लेते हैं दूसरे की वीडियो को, और वो दोस्तों आपकी वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है, तब दोस्तों आपकी वीडियो पर यहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक आती है और उससे दोस्तों आपकी वीडियो डिलीट हो जाती है यूट्यूब से। एंड इसमें ये भी दोस्तों वैसी होती है कम्युनिटी गाइडलाइंस जैसे, इसमें भी अगर आपके चैनल पर तीन कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है तो आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाता है। अब ऐसे ही कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक होती है, ये दोस्तों कोई भी यूट्यूब की वीडियो अगर आप यूज़ करते हैं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक तब आती है जब आपको यूट्यूब के जो रूल्स हैं उनको आप फॉलो नहीं करते हैं और आप दोस्तों उन रूल्स को तोड़ देते हैं, तब जो आपके वीडियोज़ पर कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक आती है। अब ये दोस्तों कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक आपके चैनल पर जब चार हो जाती हैं तब दोस्तों आपका जो चैनल है वो टर्मिनेट हो जाता है। वैसे तो ये कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक तीन ही होती है, लेकिन दोस्तों पहली जो वार्निंग स्ट्राइक होती है वो भी इसके अंदर काउंट होती है। तो अगर आपने पहली अब तक आपके पास कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक नहीं आई है तो आपके पास वार्निंग आएगी सबसे पहले। अगर आपने कोई वीडियो में यहाँ पर रूल तोड़ा है तो आपके पास सीधी स्ट्राइक नहीं आएगी कम्युनिटी गाइडलाइंस की, पहली आपके पास वार्निंग वाली स्ट्राइक आएगी, और उसके बाद अगर आप दोबारा से गलती करते हैं फिर आपके पास पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी आएगी। और ये दोस्तों जो वार्निंग स्ट्राइक होती है ये भी आपके 3 महीने के अंदर ही हटती है, तो वैसे ही हो जाती है जैसे कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक होती है वैसे ही ये हो जाती है। तो दोस्तों अभी मेरे चैनल पर वार्निंग स्ट्राइक तो आ चुकी है, लेकिन दोस्तों अगर मेरे चैनल पर 3 स्ट्राइक और आ जाती हैं तो दोस्तों मेरा चैनल यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मुझे कोई भी गलती नहीं करनी है, एंड अभी सब कुछ सेट है यहाँ पर। तो अगर आपके पास पहले कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आती है तो आपका 7 दिन के लिए अपलोडिंग बंद हो जाती है, लेकिन मेरा कुछ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास वार्निंग स्ट्राइक आई थी। तो अभी तक दोस्तों सब कुछ सही है, एंड मैं अब से यूट्यूब के सभी रूल्स को फॉलो करेंगे। और कमेंट करके बताना दोस्तों कि आजकल एग्ज़ाम का टाइम चल ही रहा है, तो क्या हम इस चैनल पर एजुकेशन वाली वीडियोज़ डालें, जैसे कि यहाँ पर हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर को डाल सकते हैं और मैं यहाँ पर MCQs सोल्व करके आपको देख सकता हूँ, जैसे कि 50 MCQs जो कि पेपर में आने वाले हैं, एंड ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स नोट्स ऐसे दोस्तों हम यहाँ पर मैं आपको दे सकता हूँ अगर आप कहेंगे तो। तो दोस्तों हम यहाँ पर एजुकेशन वाली वीडियो डाल सकते हैं क्योंकि आजकल एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है एंड सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो एजुकेशन वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, एंड गवर्नमेंट टैब पर वीडियो आती रहेंगी। तो अभी मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ गवर्नमेंट टैब पर, वो भी आपको कल या परसों तक देखने के लिए मिल जाएगी। एंड दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लो कि आप बताइए वाला चैनल कब उठ जाए। तो जाओ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बाय बेटा, जय हिंद।